फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बस स्टेशन नाम की एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ये मैथमेटिक्स सेक्शन की प्रॉब्लम है जो कि एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। तो आइए इसको रीड आउट करते हैं। देर आर एन ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एंड ईच ग्रुप इज नंबर्ड फ्रॉम 1 to n। द आईथ ग्रुप कंटेन्स AI पीपल। दे लिव नियर बस स्टॉप एंड ओनली अ सिंगल बस ऑपरेट्स ऑन द थ्रू। एन एम्प्टी बस अराइव्स एट द बस स्टॉप and all the groups want to travel by the bus. However, group of friends do not want to get separated, so they enter the bus only if the bus can carry the entire group. Moreover, the group do not want to change their relative positioning while traveling. In other words, group 3 cannot travel by bus unless group 1 and group 2 have either already have traveled by the bus in the previous trip, or they are also sitting inside the bus at present. You are given that a bus of size X that can carry X people simultaneously. Find the size X of the bus so that one, the bus can transport all the groups, and every time when the bus starts from the bus station, there is no empty space in the bus. That is, total number of people present inside the bus is equal to x. So now इस प्रॉब्लम का एग्जाम्पल से समझते हैं, देन हम इस प्रॉब्लम को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमारे पास एक सैम्पल इनपुट गिवन है जिसमें कि बताया जा रहा है कि 8 ग्रुप ऑफ पीपल हैं और ये अलग अलग प्लेसेस पे हैं। एक ग्रुप में 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 3 इतने इतने पीपल्स हैं अलग अलग ग्रुप्स में जो कि अलग अलग स्पॉट्स पे हैं, और हमें क्या करना है कि इनको बस से ट्रैवल कराना है। तो जब हमें बस से ट्रैवल कराना है तो मान लेते हैं कि जो बस की कैपेसिटी है वो सी है। तो बस की कैपेसिटी अगर सी है तो मुझे यही बस की कैपेसिटी फाइंड करनी है, और केवल एक ही कैपेसिटी नहीं फाइंड करनी है बल्कि उन सारे बस की कैपेसिटी फाइंड करनी है जो कि इन सभी लोगों को ट्रैवल करा सके। तो जब सभी को ट्रैवल अगर कराना है तो यहाँ पे मान लीजिए कि किसी एक ग्रुप को अगर मुझे सेलेक्ट करना है तो वो बस की कैपेसिटी से या तो कम होना चाहिए या फिर उसके इक्वल होना चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया होगा। तो मान लेते हैं कि जो बस की कैपेसिटी है वो इस ग्रुप के मैक्सिमम जो साइज है या ये जो ग्रुप्स गिवन है इनमें मैक्सिमम साइज के इक्वल है। तो हमने पहली बार जो बस की कैपेसिटी सेलेक्ट की सी, वो हमारी है 3। आई होप आप ये समझ रहे होंगे। मैंने सभी ग्रुप्स में से लार्जेस्ट फाइंड कर लिया कि लार्जेस्ट ग्रुप की साइज क्या है। बस की कैपेसिटी कम से कम 3 तो होनी चाहिए तभी इनको कैरी कर सकता है। अब हम जरा वेरीफाई करते हैं कि क्या 3 बस की कैपेसिटी वाला हमारे सारे कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो मान लिया कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया तो 1 और 2 दोनों ग्रुप को हमने इसमें बिठा लिया, तो जो बस की कैपेसिटी है अब वो 0 हो गई। तो इसका मतलब कि इनको बस जो है डेस्टिनेशन तक पहुंचा के फिर बस वापस आएगी। जब अब बस वापस आएगी तो इन तीनों ग्रुप को बिठा लेगी वो और इनको भी डेस्टिनेशन पर छोड़ के आ जाएगी। फिर फाइनली बस वापस आएगी और इन दोनों ग्रुप को पिक करेगी जिसकी जिससे बस की कैपेसिटी 3 हो जाएगी, एंड देन इसको ट्रांसपोर्ट करके बस वापस आएगी और ये जो लास्ट वाला ग्रुप है इसको पिक करेगी और बस ट्रेवल करेगी। तो इन तीनों में आपने या इन चारों पार्ट्स में आपने ये देखा कि जो बस की कैपेसिटी है वो हमेशा पूरा फुल है, बस में कोई भी सीट खाली नहीं है। यही ये कंस्ट्रेंट कह रहे हैं कि बस की जो कैपेसिटी है वो कभी भी खाली नहीं होनी चाहिए, वो एक ग्रुप या दो ग्रुप या तीन ग्रुप इन सभी को जो है वो एकोमोडेट कर सकता है, लेकिन बस की कैपेसिटी खाली नहीं होनी चाहिए। तो 3 इज द कैपेसिटी ऑफ द बस दैट वी कैन पिक। अब इसके बाद जो दूसरी कैपेसिटी पॉसिबल होगी वो क्या होगी इसको डिसाइड करने के लिए मान लीजिए कि हमने इसका क्यूमुलेटिव सम कर लिया। तो जब हमने क्यूमुलेटिव सम किया तो 1 प्लस 2 आएगा हमारा 3, देन 3 प्लस 1 होगा 4, फिर 4 प्लस 1 होगा 5, 5 प्लस 1 होगा 6, और 6 प्लस 2 होगा 8, 8 प्लस 1 होगा 9, और 9 प्लस 3 होगा 12। ये हमने क्यूमुलेटिव सम फाइंड कर लिया इस एरे का। तो एक जो पॉसिबिलिटी अभी हमने 3 इंक्लूड किया था, इस क्यूमुलेटिव सम वाले से एक हम ऐसे पिक करते हैं पहला नंबर, हो सकता है कि ये बस की कैपेसिटी हो। तो अगर 3 कैपेसिटी हमने ऑलरेडी देख लिया है तब हम इसके बाद नेक्स्ट 4 को पिक कर लेते हैं।
तो फोर कैपेसिटी क्या हो सकती है कि नहीं, इसको आपको अगर वेरीफाई करना हो तो आप क्या करो कि इस क्यूमुलेटिव में चेक कर लीजिए, 1 to 1 ये ट्रेवल करा सकता है, एंड देन इसके बाद ये 1 1 2 भी ट्रेवल करा सकता है, इसका भी सम 4 होगा, एंड देन ये 1 + 3 का भी सम 4 होगा। इसका मतलब कि 4 भी हमारे लिए एक सोल्यूशन हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट, आपको जो क्यूमुलेटिव सम आपने फाइंड किया था, जस्ट एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्यूमुलेटिव सम को। क्यूमुलेटिव सम में हमने नेक्स्ट 5 फाइंड किया, इसका मतलब क्या है कि अप टू दिस पॉइंट जो सम है वो 5 है। तो क्या बस का जो सम है वो 5 हो सकता है, या बस की कैपेसिटी 5 हो सकती है? तो हम अगर चेक करें तो 1 + 2 + 1 + 1 ये हमारा 5 हो गया, एंड देन इसके बाद 1 + 2 + 1 ये 4 हो रहा है, एंड नेक्स्ट वाले को अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो वो 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि 5 कैन नॉट बी द सोल्यूशन। सिमिलरली अब आप 6 को पिक कर लीजिए, क्या 6 हमारा सोल्यूशन हो सकता है क्या? वही 6 वाले के लिए हम ट्राई करते हैं। तो 6 वाले के लिए 1 + 2 + 1 + 1 + 1 6 हमारा ये सारा सम हो गया, एंड देन 2 + 1 + 3 ये भी 6 हो गया। तो इसका मतलब यस 6 भी हमारा एक सोल्यूशन है। तो 3 4 सोल्यूशन ऑलरेडी था, हमने 6 को भी सोल्यूशन डोमेन में ऐड कर लिया। देन इसके बाद जो हम नेक्स्ट पिक कर सकते हैं वो क्यूमुलेटिव सम के हिसाब से 8 पिक कर सकते हैं। तो 8 देखिए क्या सोल्यूशन हो सकता है क्या, 1 + 2 + 1 4 हो गया, 5 6 और 2 8। तो यहाँ तक हम सबको कैरी कराएं, एंड देन इसके बाद 1 3 वाला ग्रुप बचता है जिसकी साइज 4 है, तो बस की कैपेसिटी में 4 कम रह जाएंगे, तो दिस कैन नॉट बी द सोल्यूशन। तो देन इसके बाद अब हम नेक्स्ट अगर पिक करें तो 9 पिक कर लेते हैं। तो 9 भी अगर आप देखेंगे कि 9 लोगों को अगर आप पिक करेंगे तो ये 3 वाला पार्ट अलग से रह जाएगा, बस में कुछ सीट्स खाली रह जाएंगी, तो ये सोल्यूशन नहीं हो सकता। देन इसके बाद ये 12 जो है वो ऑटोमेटिकली सोल्यूशन हो जाएगा, जो फाइनल सम है इन सभी एलिमेंट्स का वो तो बस की कैपेसिटी हो ही सकती है, क्योंकि इन सभी को एक साथ वो ट्रांसपोर्ट करा सकता है। सो 3 4 6 एंड 12 दिस इज माई आंसर, या यही बस की कैपेसिटी हो सकती है और यही हमें आउटपुट करना है। नाउ इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए? सॉल्व करने के लिए अभी हमने जस्ट एक छोटा सा इंस्टिंक्ट ये लिया था कि आप एक काम करो कि मैक्सिमम फाइंड कर लो और बस की कैपेसिटी मिनिमम इतनी हो सकती है, तो जो सी मिनिमम है वो मैक्सिमम एलिमेंट के बराबर हो सकता है, जरूरी नहीं कि हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि पहले टेस्ट करना पड़ेगा कि क्या हम इस 3 कैपेसिटी से ट्रेवल करा सकते हैं सबको कि नहीं, एंड देन आप क्यूमुलेटिव सम फाइंड कर लीजिए, और क्यूमुलेटिव सम में जो भी सम आता चले सब्सिक्वेंटली आप उनके लिए टेस्ट कर लीजिए कि क्या बस की कैपेसिटी इतनी हो सकती है कि नहीं। अगर वो बस में जो कंस्ट्रेंट्स हैं उस कंस्ट्रेंट के हिसाब से हम ट्रेवल करा सकते हैं तो उसको सोल्यूशन डोमेन में ऐड कर लीजिए, अदरवाइज उसको छोड़ दीजिए। तो यही काम हमने इसके सोल्यूशन में करना है। तो आइए इसके सोल्यूशन को देखते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है वो सॉल्व है, और सॉल्व फंक्शन में हमें एक वेक्टर रिटर्न करना है जिसमें सारे आंसर्स होंगे और बस की सारी कैपेसिटी होगी। ये हमें बता रहा है ग्रुप की साइज। तो हमने सबसे पहले एन जो साइज है ग्रुप की वो पता कर लिया है, या टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस एरे हमने पता कर लिया है। इसके बाद हमने सम फाइंड किया और मैक्सिमम फाइंड किया। सम के भी देखते हैं कि जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। यस, सम की जरूरत शायद पड़ेगी क्योंकि लार्जेस्ट कैपेसिटी हमारी सम होगी। तो हमने क्या किया कि एक क्यूमुलेटिव सम नाम का एरे ले लिया और एक आंसर वेक्टर ले लिया है, ये इसी में हम सारे बस की कैपेसिटीज को इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहले हमने सम फाइंड किया हर एक एलिमेंट्स का, तो 1 by 1 हम एलिमेंट का सम फाइंड कर रहे हैं, और ये जो सम है ये अप टू दिस टाइम सम है, मतलब कि अगर मेरे पास एलिमेंट्स 1 2 3 है तो करेंटली जो है जो सम है वो 1 होगा, देन सम जो हमारा होगा वो 1 + 2 होगा, एंड देन 1 + 2 + 3 होगा। सो 1 then 3 and then 6, ये अप टू दिस टाइम जो क्यूमुलेटिव सम है वो ये है, और इसको हम क्यूमुलेटिव सम एरे में स्टोर करा रहे हैं। साथ ही साथ हम मैक्सिमम भी फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम से कम जो है वो बस की कैपेसिटी नहीं हो सकती, तो मैक्सिमम एलिमेंट भी हमने इसमें फाइंड कर लिया है। तो इस लूप के बाद हमारे पास एक क्यूमुलेटिव सम एरे होगा, अगर हम इसी एग्जाम्पल के साथ चलें तो 1 3 6 नाम का एक क्यूमुलेटिव एरे हमारे पास होगा, और मैक्सिमम एलिमेंट भी हमारे पास होगा जैकली भी 3। अब हम क्या करते हैं कि क्यूमुलेटिव सम वाला जो हमारे पास एरे है उसको 1 by 1 ट्रेवर्स करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो हम सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि
ये वाला एलिमेंट, अगर ये एलिमेंट मैक्सिमम से छोटा है तो हम इसको प्रोसेस ही नहीं करेंगे क्योंकि बस की कैपेसिटी ये नहीं हो सकती। देन हम ये वाला एलिमेंट पिक कर लेंगे, अगर ये मैक्सिमम के इक्वल या इससे बड़ा है तो शायद हो सकता है कि बस की कैपेसिटी ये हो, तो हम क्या करेंगे वेरिफिकेशन से पता कर लेंगे कि क्या बस की साइज 3 हो सकती है कि नहीं हो सकती है। इसी तरह से नेक्स्ट हम 6 पिक कर लेंगे और वेरिफिकेशन से पता करेंगे कि क्या बस की कैपेसिटी ये हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो जब हमने मैक्सिमम और क्यूमुलेटिव सम फाइंड कर लिया तो इस लूप को देखिए कि हमने क्यूमुलेटिव सम का पहला एलिमेंट पिक किया, देखा कि अगर वो मैक्सिमम के इक्वल है या उससे बड़ा है तो हमने ये देखा कि अगर जो सम है या जो फाइनल सम हमारा आया है वो डिवाइड करता होगा, या इसको ऐसे हम समझते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमने 1, 2, 3 और 4 लिया एलिमेंट, तो इसका जो क्यूमुलेटिव सम आएगा वो आएगा 1, then 3, then 6 and then 10। या अगर हम ये एग्जाम्पल इन्हीं के गिवन एग्जाम्पल को अगर हम समझें, सो जो क्यूमुलेटिव सम मेरे पास आ रहा है दैट क्यूमुलेटिव सम विल बी 1, 3, 4, 5, 6 and then 8, 9 and 12। तो जो मेरा सम है वो है 12। तो क्यूमुलेटिव सम में वो वाला पार्ट जो कि सम को पूरी तरह से डिवाइड करता होगा, केवल वही बस की कैपेसिटी हो सकती है। तो 12 modulus 3 is 0, इसका मतलब है कि 3 वाला जो बस की कैपेसिटी हो सकती है। इसी तरह से अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे तो 12 modulus 4 ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा हमारे एरे, ये जो एरे है उसको 3 पार्ट में। इसी तरह से जो 6 है, 12 मॉड्यूलस जो 6 होगा वो भी पूरी तरह से डिवाइड करेगा और 12 मॉड्यूलस 12 भी पूरी तरह से डिवाइड करेगा। तो बस की कैपेसिटी तभी सॉरी बस की कैपेसिटी हो सकता है कि 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 12 हो, ठीक है। तो पूरी पूरी तरह से डिवाइड करेगा तभी बस की कैपेसिटी इतनी हो सकती है। तो यही काम हमने यहाँ पे किया है कि जो क्यूमुलेटिव सम का करंट नंबर है उस करंट नंबर के अकॉर्डिंग हमने ये टेस्ट कर लिया है कि क्या ये बस की कैपेसिटी हो सकती है कि नहीं। मॉड्यूलस से ये तो सही हो गया, इसके बाद हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि एक वेरिफिकेशन फंक्शन से कि क्या पार्ट वाइज इसको ले जा सकते हैं नहीं। तो वेरिफिकेशन फंक्शन एक फ्लैग वैल्यू रिटर्न करता है और अगर वो फ्लैग 1 है तो इसका मतलब है कि हम कैरी कर सकते हैं पार्ट में लोगों को विदाउट वायलेटिंग एनी कंडीशन। तो अगर f की वैल्यू 1 है तो हमने इस आंसर को या क्यूमुलेटिव सम जो अब तक आया था वही बस की कैपेसिटी हो जाएगी एंड दैट कैन बी इंसर्टेड इन दी आंसर वेक्टर, और फाइनली हमने आंसर को रिटर्न कर दिया। सो अब इसमें वेरिफिकेशन फंक्शन को देख लेते हैं, बहुत ही सिंपल है वेरिफिकेशन फंक्शन हमारा। इस वेरिफिकेशन फंक्शन में हमने एरे पास कर दिया है, इसमें हमने एन पास कर दिया है, एन इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे, और अब तक का जो क्यूमुलेटिव सम है हमने उसको पास कर दिया है। इसका मतलब है कि ये बस की कैपेसिटी हमारी हो सकती है। तो जो वेरिफिकेशन फंक्शन है उसमें ए एरे है, उसकी साइज एन है और एम कैन बी द कैपेसिटी ऑफ द बस। तो एक फ्लैग ले लिया हमने, उसको 1 से इनिशलाइज कर लिया है। इसका मतलब है कि मान रहे हैं कि ये बस की कैपेसिटी हो सकती है। अगर मान लीजिए कि बस की कैपेसिटी नहीं हो सकती तो उस केस में स्टॉप कर देना पड़ेगा। एक एस लिया जो कि सम है और ये अगेन एक तरह से क्यूमुलेटिव सम फाइंड कर रहा है। तो इसके बाद हमने ये किया है कि जब तक एस इज लेस देन एम, मतलब बस की कैपेसिटी से अगर वो अभी कम है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि इसको जो एरे का एलिमेंट है उसको एस में ऐड कर देते हैं। और अगर ये जो एस अभी हमने फाइंड किया है वो बस की कैपेसिटी के इक्वल होगा तो फ्लैग 1 हो जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा वो एस बड़ा हो जाएगा तो हम फ्लैग को 0 कर देंगे। इसको भी एक एग्जांपल से फिर से समझते हैं इस वेरिफिकेशन फंक्शन को। मान लीजिए कि ये हमारे पास क्यूमुलेटिव सम फिर सम फाइंड कर रहे हैं, ये 1 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, देन ये 6 है,
और ये 8 है, ये 9 है और ये 12 है। तो अगर हमने बस की कैपेसिटी लेट से 5 मानने की कोशिश की है, तो जब आप इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे, तो 5 आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू एम। तो यहाँ तक तो अभी लग रहा है कि बस की कैपेसिटी इतनी हो सकती है। एक बार हम दोबारा से इसको सम करते हैं, सम इक्वल्स टू 0 लेके। सो 1 + 2 = 3 हो गया, +1 = 4 हो गया, और 4 के बाद ये 3 ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, जो कि m को क्रॉस कर जाएगा। इसका मतलब कि s will be greater than m। तो चूंकि s is greater than m, तो इस केस में हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे। इसका मतलब कि बस की कैपेसिटी ये नहीं हो सकती। तो यही काम हमने वेरिफिकेशन में किया है। नाउ सी दिस वेरिफिकेशन फंक्शन वंस अगेन। और इसमें हमने जब तक i लेस देन n, मतलब कि n-1 तक जब तक होगा तब तक ये चलता रहेगा, सम को 0 लिया। अप टू करेंट टाइम हम देख रहे हैं कि जब तक s इज लेस देन m तब तक हम इसको चलाते रहेंगे। अगर s इक्वल्स टू m हो जाएगा या s ग्रेटर देन m हो जाएगा तो इसको स्टॉप कर देंगे। एलिमेंट्स को या करंट एलिमेंट्स को ये इसमें ऐड करता रहेगा। फिर इसके बाद अगर s ग्रेटर देन m हो जाता है तो फ्लैग को 0 सेट करके हम रिटर्न कर देते हैं। ये केवल ये इंडिकेशन है कि इन एलिमेंट्स को इंक्लूड नहीं किया जा सकता या इन लोगों को बस से ट्रेवल नहीं कराया जा सकता। अदरवाइज हम क्या करेंगे, फिर से री इनिशलाइज कर देंगे एस को। अगर एक पार्ट में लोग जा सकते हैं तो अब हम ये देखेंगे कि क्या दूसरे पार्ट में भी लोग जा सकते हैं क्या। इसके लिए हम सेम प्रक्रिया कर रहे हैं और ये प्रक्रिया तब तक चलती रहेगी जब तक कि आई इज लेस देन एन। अगर हमने सारे के सारे एलिमेंट्स को चेक कर लिया है और कभी भी एस ग्रेटर देन एम नहीं आता है तो फ्लैग रिटर्न करेंगे, मतलब कि फ्लैग की वैल्यू 1 रिटर्न करेंगे, जो कि ये इंडिकेट करता है कि सब लोग प्रॉपरली ट्रेवल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। सो आई होप ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया होगा, इसका सोल्यूशन। आइए इसको हम रन करके देखते हैं। तो इसके सैम्पल टेस्ट केस रन हो गए, सबमिट करते हैं इस प्रॉब्लम को। यस, आप देख सकते हैं कि सारे के सारे टेस्ट केसेस के प्रॉपरली रन हो गए हैं। तो ये प्रॉब्लम बस स्टेशन प्रॉब्लम है और इसको हमने बहुत ही इजीली सॉल्व कर लिया। ये हैकर रैंक सेक्शन की फंडामेंटल मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम है, जिसमें हमने क्यूमुलेटिव सम का यूज़ किया है, मॉड्यूलस का यूज़ किया है और अपने इंस्टिंक्ट से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।